इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप गूगल असिस्टेंट को अब हिंदी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कैसे में आपका स्वागत है, मैं हूँ एकता। आपने अगर गूगल असिस्टेंट यूज किया है तो आपको पता होगा कि अगर आप अपना होम बटन दबाते हैं तो गूगल असिस्टेंट खुल जाता है और आप उससे कुछ भी बोलकर उससे काम करवा सकते हैं या उससे सवाल भी पूछ सकते हैं। अभी तक ये मेनली इंग्लिश में था, लेकिन अब ये कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आइए आपको बता देती हूँ कि अब आप इसकी लैंग्वेज या भाषा कैसे बदल सकते हैं और इससे हिंदी में कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ मैं एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वाली हूँ। सबसे पहले हम होम बटन को लॉन्ग प्रेस कर लेते हैं। अब ये गूगल असिस्टेंट खुल गया। जो भी मैं बोल रही हूँ ये ऑटोमेटिकली अपने आप सुनता रहता है। अब यहाँ पर ये माइक है, इसे मैं प्रेस करती हूँ और उसके बाद मैं बोलूंगी लैंग्वेज सेटिंग्स। लैंग्वेज सेटिंग्स। I can speak a few languages. To change your language, tap language settings below. यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग्स है, इधर क्लिक कर लेते हैं। अब ये आपका गूगल अकाउंट है और ये गूगल अकाउंट में आपको यहाँ पर कुछ टैब्स दिख रहे हैं और इधर है असिस्टेंट। फिलहाल पर्सनल इन्फो है तो हम असिस्टेंट पर क्लिक कर लेते हैं और इसके अंदर आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस की ऑप्शन दिख जाएगी। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब बाय डिफॉल्ट अपने आप से यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चोजन है। हम यहाँ पर एड लैंग्वेज पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारी आपको लैंग्वेजेस दिख जाएंगी। यहाँ पर काफी इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मराठी, हिंदी, बंगला वगैरह हैं। चलिए मैं यहाँ पर हिंदी भारत पर क्लिक कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अब दो भाषाएं आ गई, एक इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी हिंदी भारत। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो कि बीटा में हैं और हो सकता है कि गूगल असिस्टेंट आपकी भाषा को अभी सीख रहा हो और जो भी परिणाम आए या जो भी सर्च के रिजल्ट्स आए वो परफेक्ट ना हो। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो गूगल असिस्टेंट भी बेटर होते जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और दोबारा से इस माइक पर क्लिक करके हिंदी में बात करते हैं और देखते हैं ये हमारी बात समझ पाता है या नहीं। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये देखिए उसने समझा और मुझे हिंदी में ही वापस जवाब दिया। नई दिल्ली का अभी तापमान क्या है? नई दिल्ली में इस समय 23। तो आपने देखा यहाँ पर 23 डिग्री दिल्ली का अभी टेम्परेचर है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं और ये आपके सवालों का जवाब देगी। वेल, देगी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लेकिन चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके इससे पूछ लेते हैं कल का तापमान क्या होगा। कल न्यूनतम का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। तो इसने अपने आप मेरी लोकेशन डिटेक्ट कर ली कि मैं न्यूटन सिंगापुर में हूँ और इसने मुझे कल का टेम्परेचर बता दिया या कल का फोरकास्टेड टेम्परेचर बता दिया। क्या कल बारिश होगी? वहाँ कल बारिश होगी। देखा आपने, कल यहाँ पर बारिश का अनुमान है। ये डेटा ऑब्वियसली गूगल ने weather.com से लिया है और मुझे ये और भी ऑप्शंस दे रहा है वीकेंड में मौसम कैसा होगा। ज्यादातर बादल के साथ तापमान 33 डिग्री होने का अनुमान है। तो आपने देखा कि अब आप गूगल असिस्टेंट को हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपसे हिंदी में ही बात करेगा। अब क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किया था तो क्या मैं दोनों भाषाएं यूज कर सकती हूँ? चलिए ट्राई करते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? The population of India was 1.339 billion in 2017. हाँ, वो इंग्लिश भी समझता है और हिंदी भी समझता है। तो यहाँ पर हमने दो लैंग्वेजेस की ऑप्शन अपने लैंग्वेज के सेटिंग्स में एनेबल करी थी। जाने से पहले ये बता दूं कि अगर आपके फोन में अभी गूगल असिस्टेंट नहीं है तो आप हमारा ये वीडियो देखकर उसे अपने स्मार्टफोन में एनेबल कर सकते हैं। आजकल जो भी नए फोन्स आ रहे हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उनमें गूगल असिस्टेंट पहले से है, लेकिन आप स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई के निशान पर क्लिक करके गूगल असिस्टेंट के बारे में सीख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। यूट्यूब में लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए
और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।